वेलकम टू अमृतसर, जहां गोल्डन टेंपल से लेकर पार्टीशन की कहानियों तक हर कोने में स्पिरिचुअलिटी हिस्ट्री से मिलती है। तो एक्सप्लोर करते हैं द वाइब्रेंट हार्ट ऑफ पंजाब। हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं अमृतसर। अभी मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। 1 बजे की ट्रेन है हमारी। अभी टाइम हो रहा है 1 बज चुका, मतलब 1:10 किया है। तो चलते हैं। ट्रेन में चढ़ते ही हम अपनी सीट पर बैठ गए थे और 4 घंटे का रास्ता हमने थोड़ी देर फोन चला के और सो के बिता दिया। सो दोस्तों, अभी इस समय 6 हो चुके हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं जलंधर कैंट। यहाँ से अब हमें कनेक्टेड ट्रेन लेनी है अमृतसर तक की। और आज हमारे साथ एक भाई ट्रैवल कर रहे हैं। पहली बार मिला हूँ मैं अभी इनके साथ। ये मेरे ऑनलाइन दोस्त बने थे, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इनके साथ। अभी आपको ट्रेन में मिलते हैं सीधा। कुछ 1 घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी और उसमें बैठ के हमने 1 घंटे का और सफर तय करके हम पहुंचे अमृतसर। सो फाइनली 7 घंटे की लंबी जर्नी के बाद हम पहुंच चुके अमृतसर। ठीक है, तो अभी थोड़ा टायर्ड फील हो रहा है, तो होटल जाके थोड़ी देर आराम करेंगे। अब सीधा होटल में मिलते हैं। जी, तो होटल पहुंच चुके हैं। अभी आपको दर्शन देते हैं कमरे का। तो प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अभी तो हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे कमरे में, फिर उसके बाद हम बाहर जाएंगे घूमने, अमृतसर एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आपको भी एक्सप्लोर करना है मेरे साथ, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को। 1 hour later. तो रेडी हो चुके हैं, अभी हम निकल रहे हैं अमृतसर एक्सप्लोर करने के लिए और आपको दिखाने के लिए। तो बी रेडी। जस्ट बाहर, और ये सारा यहाँ से एरिया स्टार्ट होता है, जो मेन गुरुद्वारे वाला एरिया, ये सारा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और ये लास्ट स्टॉपेज है, अगर कोई व्हीकल अंदर जाने के लिए यहाँ से कोई भी अलाउड नहीं है। तो ये रहा पार्टीशन म्यूजियम, ये देखो आप देख सकते हैं। अभी अंदर जाके आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। मेन एंट्री के बाहर आ चुके हैं, बहुत ग्रैंड एंट्री है। ये आपको एंट्री दिखाते हैं। आप जब एंट्री लोगे पार्टीशन म्यूजियम में, यहाँ पे बहुत बड़ी ह्यूज एंट्री है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। ये है म्यूजियम की एंट्री प्राइस, ये आप देख सकते हो। 250 रुपये तो फॉरेनर्स के लिए और 10 रुपये इंडियंस के लिए है। मैं अभी पार्टीशन म्यूजियम के अंदर से होके आया हूँ। ऑब्वियसली वहाँ पे अंदर शूटिंग तो अलाउड नहीं थी, पर मैं जो देख के आया हूँ उसकी मैं आपको फीलिंग शेयर करता हूँ। तो अगर आप इधर ज़रूर आते हो, अगर आप अमृतसर घूमने आते हो, तो यहाँ पे ज़रूर जाओ, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया हमारे देश के लिए। तो अंदर जाके आपको देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर आप थोड़ी इमोशनल हो, तो क्या पता आप रो भी दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब डिटेलिंग में दे रखा है। यहाँ पे अंदर आपको ऑडियो बुक भी है, जैसे जो बंदे बच के आ गए थे उनकी ऑडियो बुक भी है अंदर, तो आप अच्छे से देख सकते हो। तो चलो बात ख़त्म करते हैं, अब एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा इन्जॉय करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले हम कुछ खाना खुना खाएंगे, फिर खाना देखते हैं, कुछ खाते हैं, फिर कुछ करते हैं, क्योंकि सवेरे का हमने कुछ नहीं खाया जब से ट्रैवल कर रहे हैं। तो अभी कुछ खाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है।
हाँ जी, तो जब आप पार्टीशन म्यूजियम से बिल्कुल स्ट्रेट आओगे ना एग्जिट करने के बाद, तो यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर लग रही है। तो खाना खा चुके हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस कुलवंत सिंह के छोले कुलचे हैं, वो खाए हैं, बहुत मज़ा आ गया खा के। अब आपको दिखाते हैं यहाँ की फेमस स्ट्रीट जो बहुत ही ज़्यादा हरी भरी रहती है और आपको लगेगा कि नहीं ये इंडिया की स्ट्रीट है। तो अभी यार आपको, तो अभी हम जलियांवाला बाग जाएंगे, ये एंट्री गेट यहाँ का, ये एंट्री गेट था जलियांवाला बाग का। अभी आपको जलियांवाला बाग एक्सप्लोर करवाते हैं, उसकी हिस्ट्री भी बताते हैं क्या थी, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा वैसे तो, पर अभी आपको दिखाते हैं हम। तो मैं जस्ट उस कुएं के बाहर खड़ा हूँ जहाँ पे लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे, और वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अब आपको अंदर तो नहीं दिखेगा क्योंकि बाहर सरकार ने ट्रांसपेरेंट शीशे लगा दिए हैं जिससे अंदर का कुछ नहीं दिखता, पर इतने लोग इसके अंदर कूद गए थे कि ये कुआं पूरा भर चुका था कि लोग अंदर और जा ही नहीं पा रहे थे। ये जो आप निशान देख रहे हो, ये सारे गोलियों के निशान हैं जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे चलाए थे जब वो राइड्स कर रहे थे यहाँ पे। तो जलियांवाला बाग से अभी हम एग्ज़िट ले रहे हैं, इसके बाद सीधा हम होटल जाएंगे क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें जाना है बाघा बॉर्डर और कैमरे को भी चार्ज करना है क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी लो हो रही है। तो मिलते हैं सीधा होटल में। तो प्लान में थोड़ा चेंज है, अभी हम अपने होटल नहीं जा रहे, सीधा बाघा बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं। हमने एक ऑटो वाला बुक कर रखा था, उसके साथ अभी हम जा रहे हैं। तो अभी आपको सीधा बाघा बॉर्डर मिलते हैं। तो कुछ एक घंटे के रास्ते के बाद हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बाघा बॉर्डर। तो अभी अंदर जाके आपको पूरा का पूरा सिनेरियो दिखाते हैं क्या होता है। बहुत भीड़ होती है, 40,000 बंदों की कैपेसिटी होती है, तो अंदर बहुत भीड़ होगी, तो पूरा दिखाएंगे आपको। चुके हैं स्टेडियम में, अभी इतनी भीड़ लगी नहीं है, ये देख लो व्यू। पाकिस्तान की साइड में तो कोई भी नहीं आया अभी तक, अभी सिर्फ इंडिया की साइड से लोग आए हैं थोड़े थोड़े। अभी भीड़ लगेगी क्योंकि प्रोग्राम 4:30 है और अभी 3:30 हुए हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से शूट करके दिखाएंगे बिल्कुल डिटेलिंग के साथ क्या क्या होता है। बाघा बॉर्डर से डायरेक्ट हम होटल आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, और भाई सच में बाघा बॉर्डर में इतना मज़ा आया कि मतलब गूज बम्प्स। अब होटल आ गए थे, अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे क्योंकि अभी तक गुरुद्वारे नहीं गए और गुरुद्वारे जाना सबसे ज़्यादा मेन है। तो आपको डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं या रास्ते में कुछ करेंगे तो आपको दिखा देंगे। जो सुबह आपको हमने स्ट्रीट दिखाई थी वो रात को भी उतनी खूबसूरत दिख रही है, ये देखो पीछे सारा व्यू, ठीक है।
तो बस अभी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही वो है गुरुद्वारा है, तो वहाँ पे जा रहे हैं, बिल्कुल सामने ही गुरुद्वारा है, वहाँ पे जूते जूते जमा करा के फिर अंदर चलते हैं जी। तो रुमाल बांध लिया, जूते जमा करा लिए, ये शू एरिया यहाँ पे है, आप गेट देख रहे हो, ये है मेन एंट्री पॉइंट गुरुद्वारे की, और साइड में ये बहुत सारे लोगों के लिए सोने के लिए जगह बना रखे, टेंट वेंट लगा रखे है, ठीक है, और ये पूरा एरिया बना रखा है, बैठने की सीटिंग वगैरह भी दे रखी है, मतलब एक प्रॉपर कल्चर सा बना रखा है, मतलब यहाँ पे आके लोग सो भी सकते हैं, अगर जैसे किसी को कमरा नहीं मिल रहा तो यहाँ पे बंदा सो भी सकता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अंदर जाके अभी आपको दिखाते हैं, हाँ जी, तो गुरुद्वारे से हो आए हैं, दर्शन भी कराए हैं, पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो छुप छुप के एक आधी वीडियो डाल दी है, सॉरी फॉर डैट, और डैट सिट्स फॉर द व्लॉग, फिर मिलते हैं अगली स्टोरी में।